सॉरी डैडी बनाने में तो बहुत मेहनत हुई, और सबसे बड़ा मैं थैंक्स मतलब आई एम हैप्पी बहुत थैंक्स वसीम भाई का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से डायरेक्शन कराया। और मैं आपको दो लाइन में इसकी कहानी बताता हूँ कि कहानी कुछ ऐसी है। एक बच्चा होता है जो स्कूल में जाता, डिप्रेशन में रहता, घर में आता तो उसके माँ बाप में आपस में झगड़ा चलता रहता। एक दिन अचानक उसके डैडी एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चा घर से बेघर हो जाता है। और बच्चे का एक फ्रेंड होती है जिस पुलिस ऑफिसर की बेटी, वो हमेशा अपने डैडी को प्रेशर करती रहती कि डैडी डैडी मेरे को दोस्त पता नहीं कहाँ गायब हो गया। और वो बच्चा भिखारी ग्रुप में पहुँच जाता, अब इंस्पेक्टर उसके पीछे इस सर्किट के पीछे पड़ जाता जो कि आज के चल रहा है हमारे यहाँ इंडिया में, बहुत सी जगह से होती है जो बच्चों को अपंग करके उनको उनसे भीख मंगाई जाती है। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट उठ गया, जो अनाथ बेसहारे बच्चे हैं जिनके नीचे छत नहीं है, बेचारे फुटपाथ पे सोते हैं, तो हम उनको लेके ये कॉन्सेप्ट बनाया कि हम लोग देख बहुत अच्छी गाड़ी में घूम सकते हैं, अच्छे घर में रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा। तो इनको लेके मैं कम से कम इन बच्चे के लिए कुछ सोचें कि इनका भविष्य बने, अच्छे स्कूल में पढ़ सकें और हमारा इंडिया कभी गरीब ना रहे, ऐसे बच्चे ना रहे, इसके ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट जी। फिल्म की शूटिंग मुंबई में की है, एमपी ग्वालियर में की है, अहमदाबाद में की है, तीन जगह मैंने कंप्लीट किया है। इस फिल्म में 3 सॉन्ग हैं, वैसे मेरे रिकॉर्डेड 5 सॉन्ग हैं, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट था फिल्म में उसी हिसाब से हमने इस फिल्म के अंदर सॉन्ग रखे। इसमें स्टार कास्ट में मिस्टर समीम खान जो इसमें रोल एज अ लीड प्ले कर रहे हैं, रघुवीर यादव जी हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, टीनू वर्मा जी हैं, जाक खान हैं, और लगभग बहुत सारे इसमें आर्टिस्ट हैं। फिल्म में बेसिक ये एक बच्चे की कहानी है, उसकी मदर होती है, हीरोइन भी है लेकिन उसको हीरोइन नहीं बोल सकते, इसमें माँ बेटा और बाप की कहानी है, उसमें हीरो और बच्चे का ही रोल ज़्यादा है, हीरोइन है उसके भी हैं बहुत ज़्यादा तो काम नहीं बोल सकते, लेकिन उसका भी अच्छा काम है, सब करेक्टर हैं जितने सब ने अपना अपना अच्छा काम किया, अच्छा प्ले किया। सर ऑडियंस को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए आप भाई 5 स्टार में खाना खाते हैं, आप सिनेमा हॉल में जा कर के 1,000 रुपये 2,000 रुपये की टिकट खरीदते हैं, लेकिन अगर हम एक बच्चे को पाल सकें, उसका एक साल का खर्चा उठा लें, तो हमारे इंडिया में कोई गरीब बच्चा नहीं रहे, सब पढ़े लिखे अच्छा काम कर सकें, ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ।